जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी प्रचार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने पुंछ में पहली रात्रि जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस जनसभा की अध्यक्षता पार्टी प्रभारी गुरदीप सिंह सराफ और जिला अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने की। तो वहीं हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज और पुंछ हवेली विधानसभा के प्रत्याशी चौधरी अब्दुल गनी इसके मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर लोगों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान भी किया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 25 सितंबर को दूसरे चरण के मतदान है और ऐसे में बीजेपी का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। आठ विधानसभा है, उसको सेक्टर इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रहा हूं और इस विधानसभा क्षेत्र में इस समय इतनी अधिक संख्या में लोग जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है, इसका केवल एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चुनाव आने वाला है 25 तारीख को, हमारे भाई चौधरी अब्दुल गनी जी जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, बहुत अधिक मार्जिन के साथ और बहुत अधिक मतों से जीतकर आपकी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाने वाले हैं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरह से मोदी जी के प्रति जम्मू कश्मीर के आवाम ने प्यार दर्शाया है, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 70% तक की पोलिंग हुई है, ये केवल इस बात को दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है